ऐसा क्यों कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ये एक कर्व है जो कि आपके फोकस और रिटेंशन पावर को दिखाता है विद इंक्रीजिंग टाइम। ये टी इज इक्वल टू जीरो है, आपने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे आप आगे गए, शुरुआत में आपका फोकस बहुत हाई रहता है, बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है। शुरू के आपका ये बीच का स्पॉट है ये वाला, तो ये आपका शुरू के 25 से 30 मिनट की बात है। यहाँ पे ये जो हाईलाइट हो रहा है ग्रीन से ब्लू से, तो यहाँ पे आपका फोकस बहुत हाई है और बहुत जल्दी बिल्ड हो रहा है, बट जितना कंटेंट आपने ग्रेस्प किया है वो अमाउंट कम है, क्योंकि इसका एरिया आप देख सकते हैं, इसका एरिया लेस है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, बट वहीं पे हमको लगातार लगे रहना है शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे बिल्डअप होगा, फोकस बनेगा और एक लेवल आएगा कि हाँ पीक पहुँच जाएगा, ये आपका पीक आ गया। फिर नेक्स्ट 25 से 30 मिनट के बाद 50 मिनट से 1 आवर का जो टाइम होता है, यहाँ पे क्या है कि फोकस आपका गिरता रहता है, बट इतना भी कम नहीं होता, एक समय आता है कि वो बिल्कुल जाके बहुत लो हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कंटेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ग्रेस्प करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होता है, रियल आपका मेन रहता है कि आप अगर बैठे और आपने जीरो टी इज इक्वल टू जीरो से शुरू किया काम कोई भी, तो जब आप उसको 1 घंटा 50 मिनट करेंगे तब जाके आपका रियल बेनिफिट होगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो भी ख़राब है, और 1 घंटे से ज़्यादा किया तो भी ख़राब है। तो ये चीज़ यहाँ समझने की थी। दूसरी बात क्या है, जैसे ये क्यों बोला डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि आपको चेंज करते रहना है, आपको जो आप काम कर रहे हो उसको बदलते रहना है। आप 1 घंटे आपने कुछ और पढ़ा, उसके बाद अगले 1 घंटे कुछ और न्यूमेरिकल लगाए, फिर कुछ और थ्योरी किया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, एक ही सब्जेक्ट पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है कि आपका ये 50 मिनट से 1 घंटे में आपका इतना ज़्यादा फोकस गिर गया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम के संग भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपने शुरू में तो पढ़ा, फिर ये ग्राफ गिरा, फिर ये थोड़ा उठेगा, फिर ये गिरेगा, ये इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से है कि अगर आप 1, 2, 3, 4 अगर एक ही सब्जेक्ट को आप दे रहे हो 4 घंटे, तो फिर आपका ये कम होता जाएगा, ओके। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको यही चाहिए, रिटेंशन बहुत अच्छा चाहिए, एफिशिएंसी बहुत अच्छी चाहिए, तो आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ों को करना है, अलग अलग टास्क को। पहली टास्क ग्राफ गिरा आपके फोकस का, फिर गिरा, 1 घंटा पूरा होते हो, लेकिन इसमें बराबर बना हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये नंबर 1, 2, 3 और 4 अलग अलग चीज़ें हैं, 4 डिफरेंट थिंग्स। और ये आपका टाइम है 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड 4 आवर। तो इसीलिए बोला है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो हमने यहाँ पे देखा। Okay.